नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं रंजीत सोलेरा दोस्तों आज आपके लिए लेकर आऊँ एक रीजनिंग का जो टॉपिक है वेन डायग्राम यानी वेन आरे के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों वेन आरे की जो फर्स्ट क्लास है जीरो से अपन हीरो बनने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, इसमें वेन आरे में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चन की अपन चर्चा करेंगे पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री के अकॉर्डिंग। दूसरी बात है दोस्तों, आप ये ध्यान रखना इस क्लास के अंदर वेन आरे के बारे में जो पूरा थ्योरी अपन पढ़ चुकेंगे कि इसमें वेन आरे में होता क्या है, कैसे संबंध ज्ञात करते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को आप लाइक करना। यदि दोस्तों आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते अपने टॉपिक पर। दोस्तों इसमें ध्यान रखना कि मेन आरेख होता है, क्या होता है आरेख, आरेख आरेख दो प्रकार का होता है। एक होता है तारकीय वेन आरेख, क्या होता है तारकीय वेन आरेख, एक होता अपने पास वेन आरेख, वेन आरेख ये दो प्रकार का होता है, तार के वेन आरेख और वेन आरेख। तो दोस्तों अपने पास वेन आरेख की बात करते हैं, फिर अपन तार के वेन आरेख की सब के बारे में बातें करते हैं। तो दोस्तों अपने पास तार के वेन आरेख क्या होता है, तो दोस्तों आप एक ध्यान रखना है तार के वेन आरेख नंबर एक, तार के वेन आरेख, तार के वेन आरेख क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वस्तु को एक आरेख द्वारा निरूपित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आरेख कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वस्तु वस्तु को एक आरेख द्वारा निरूपित किया जाता है उसे तार की वेन आरेख कहते हैं, तार की वेन आरेख कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वस्तु को एक आरेख द्वारा निरूपित किया जाता है उसके तार के वेन आरेख कहते हैं। इसकी जो थ्योरी है मैंने आपके पास लिख दी है। दोस्तों तार के वेन आरेख कैसे होते हैं, जैसे मान लो कोई दो वस्तु है, जैसे अपने पास एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे गांव है, टाइप बाई टाइप पढ़ेंगे, गांव है, जिला है और राज्य है। तो ये तीन अपने पास तीन वस्तु, अलग अलग वस्तु, इनको एक आरेख द्वारा निरूपित किया जाना है। तो क्या करना है, इसको आरेख द्वारा निरूपित करना, तो इसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों जैसे मान लो बात करें अपने पास, ये गांव हो गया, गांव से बाद क्या जाता है जिला आ जाता है, जिला के बाद क्या आ जाता है राज्य आ जाता है। ये क्या हो गया गाँव हो गया, ये क्या हो गया जिला हो गया, ये क्या हो गया अपने पास राज्य हो गया। तो इसको एक आरेख द्वारा निरूपित किया जाए तो वह कौन सा कहते हैं, तार की वेन आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, तार की वेन आरेख कहते हैं। इसके बारे में समझ गए होंगे, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्ण रूप से निरूपित की जाती है उसे वेन आरेख कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, गांव गांव से मिलकर बना होता है, गांव से मिलकर क्या बनता है जिला, जिलों से मिलकर क्या बनता है राज्य, इस प्रकार से निरूपित करते हैं। दोस्तों समझ गए होंगे आप, जल्दी से इस चीज को नोट कीजिए आप।
इस चीज़ को आप नोट कीजिए जिसके कारण आगे चल सकें, समझ गए होंगे। तो ये होता है वेन, तार की वेन आरेख होता है, वेन आरेख क्या होता है उसकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इस चीज़ को आप नोट करो, आप पूरी भाषा समझ गए होंगे कैसे कहते हैं। चले आगे, अब जैसे क्या टाइप, अपन टाइप टू टाइप चलाएंगे दोस्तों, टाइप टू टाइप चलेगी। पहले टाइप लिखो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्ण रूप से अंतर्गत दर्शाए, पूर्ण रूप से अंतर्गत दर्शाए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्ण रूप से अंतर्गत दर्शाए उसका आरेख बनाना दोस्तों। जैसे एग्जांपल देते हैं अपन, एग्जांपल अपने पास फर्स्ट राजे, राजे देश एशिया, दूसरा है गांव जिला और देश, शब्द वाक्य, शब्द वाक्य, शब्द वाक्य, एक दो शब्द बाद जैसे मान लो राज्य देश एशिया, पैराग्राफ ग्राफ। अब इनका वेन आरेख बनाना है तो कैसे बनाएंगे, राज्य देश एशिया गांव जिला देश शब्द वाक्य पैराग्राफ इनका आपको बनाना है। तो क्या करेंगे, तो आपको ये पता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्ण रूप से क्या आती है अंतर्गत आए, उसे क्या कर देंगे वेन आरेख बना सकते हैं। जैसे मैं बात करूं अपने पास राज्य देश एशिया, तो ध्यान रखना राज्य होता है, फिर क्या होता है अपने पास देश होता है, फिर क्या होता है अपने पास एशिया होता है। तो ये तो किसको नोट कर रहा है, ये एशिया को नोट कर रहा है, और ये किसको नोट कर रहा है देश को नोट कर रहा है, और ये किसको नोट कर रहा है, ये कर रहा है अपने पास राज्य को, समझ गए होंगे आप। जैसे अपने पास ये है शब्द वाक्य पैराग्राफ, तो शब्द से क्या बनता है वाक्य, और वाक्य से क्या बनता है पैराग्राफ बनता है। ये शब्द को नोट कर रहा है, ये वाक्य को नोट कर रहा है, ये ऊपर वाला क्या कर रहा है पैराग्राफ को नोट कर रहा है, शब्द वाक्य पैराग्राफ को नोट कर रहा है। जैसे गांव जिला देश, तो गांव हो गया, ये जिला हो गया, ये क्या हो गया देश हो गया, तो ये क्या हो गया गांव, ये क्या अपने पास जिला, ये क्या हो गया देश, समझ गए। इस प्रकार से वेन आरेख बनता है दोस्तों, जल्दी से आप नोट कीजिए।
समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं दोस्तों आपके लिए, जैसे गाजर वनस्पति वनस्पति और भोजन, गाजर वनस्पति और भोजन, इनका करना आपको, गाजर वनस्पति और भोजन। तो ध्यान रखना अपने पास ये गाजर हो गई, फिर ये वनस्पति हो गई, ये क्या हो गया भोजन हो गया। तो ये किसको नोट कर रहा है भोजन को, ये किसको नोट कर रहा है वनस्पति को, ये बड़ा वाला किसको नोट कर, ये छोटे वाला किसको कर रहा है गाजर को। तो दोस्तों पता चल गया होगा सबसे पहले क्या होगी गाजर, फिर क्या हो जाएगी, पहले क्या होगी गाजर, फिर वनस्पति, फिर भोजन। इस प्रकार से नोट कीजिए, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्ण रूप से अंतर्गत रखे, उसका जो वेन डायग्राम बनता हो इस प्रकार से बनता। दोस्तों जल्दी से चीज नोट कीजिए जिसके कारण आगे चल पाए। दोस्तों तो टाइप फर्स्ट टाइप, अपने पास एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्ण रूप से अंतर्गत रखे या अंतर्गत आए, उनका वेन आ रही इससे बनता दोस्तों। समझ गए, इस प्रकार से वेन आरेख बनता है दोस्तों। दूसरी टाइप लिखते हैं अपन, जिसने नोट नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से दोस्तों। दूसरी टाइप अपने पास, दूसरी टाइप ये है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती है लेकिन तीसरी अलग हो। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती है लेकिन तीसरी वस्तु क्या हो अलग हो, उनका वेन डायग्राम कैसे बनता है। जैसे एग्जांपल का अकॉर्डिंग पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे गाजर गाजर गाय सब्जी, जैसे आलू फल आम, गाजर गाय सब्जी आलू फल आम, जैसे सोना सोना धातु सोना धातु भैंस, पक्षी मोर कुत्ता, ये आपके पास एग्जांपल है। गाजर गाय सब्जी सोना धातु भैंस और आलू फल आम पक्षी मोर कुत्ता, ये प्रकार के आपके पास वेन डायग्राम बनाना है दोस्तों। तो इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा तो समझने की कोशिश करेंगे अपन, कि गाजर सब्जी तो
तो क्या होता है, गाजर सब्जी में आता है, गाजर किस में आता है, सब्जी में आता है, लेकिन सब्जी के अंदर भैंस नहीं आती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, गाजर सब्जी में आता है लेकिन भैंस क्या होती है, ये गाय क्या होती है, अलग होती है। तो गाय तो ये हो गया, ये किसको नोट कर रहा है, गाजर को, अरे ये किसको नोट कर रहा है, सब्जी को। जैसे तो क्या हो गया, गाजर सब्जी में आती है लेकिन भैंस गाय क्या होती है, अलग। आलू फल आम, तो आम किस में आता है, फल में आता है, ये किस में आता है, फल में, ये क्या हो गया, आम हो गया। लेकिन आलू क्या रहता है, आलू अलग रहता है, आलू किस में आता है, आलू सब्जी में आता है। जैसे सोना धातु भैंस, तो सोना होता है वो धातु में आता है, ये क्या हो गया, सोना, और ये क्या हो गई, धातु। लेकिन भैंस क्या होती है, अलग होती है, भैंस क्या होती है, अलग होती है। पक्षी मोर कुत्ता, तो पक्षी होता है, मोर होता है, पक्षी में आता है, ये किसको नोट करता है, मोर को, ये क्या होता है, अपने पास से पक्षी आता है, ये क्या हो गया, कुत्ता, कुत्ता क्या रहेगा, अलग रहेगा। इस प्रकार से इनका वेन डायग्राम बनता है। जल्दी से आप इस चीज़ को नोट कीजिए, जिसके कारण आपको समझ में आ